नमस्कार दोस्तों, वीटू बिहार न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अब्दुल कादिर और मैं पहुंचा हूं बीरपुर का जो है मेन बाजार में। और यहां पर जो है माँ वैष्णो देवी दुर्गा समिति के द्वारा एक बेहतरीन जो है दुर्गा पूजा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। यहां पर सारे पंडाल आप देख सकते, दर्शन करने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं भारी संख्या में। हालांकि जो है शुरुआती अभी समय है और जो श्रद्धालु है यहाँ पर जो अभी पूजा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बीरपुर थाना अध्यक्ष समरेंद्र कुमार पूरा फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद, किसी उपद्रवी के द्वारा कोई अचूक घटना ना हो जाए और इसके लिए पूरी जो है टीम ने सीसीटीवी कैमरे का जो है यहाँ पर उपलब्ध कराया है। और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से चारों तरफ की निगरानी किया जा रहा है, कोई ऐसी अनहोनी घटना को पूरे उस पर ध्यान देने के लिए यहाँ पर एक बेहतर सफल आयोजन करने के लिए यहाँ पर जो है जो आयोजकों के द्वारा बेहतरीन यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा यहाँ के जो आयोजन है करता है जो है इस दुर्गा पूजा समिति के जो आयोजन करता है उनसे बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर जो सुविधा है जो दे रखे हैं श्रद्धालुओं के लिए। माँ वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे बीच हैं, जो इनसे जानना चाहूंगा कि क्या तैयारी कर रखे हैं पूजा के लेकर, और जो भीड़ भाड़ जब होगी इस बहुत बड़ी जो है जो बाजार जो है बीचों बीच में जो दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं क्या सुविधा देंगे। हम लोग चाहते हैं जो अच्छी से अच्छी पूजा हो। हम लोग पूजा की श्रद्धा करते हैं, पूजा के लिए हम लोग करते हैं, मेले के लिए बहुत कम करते हैं। जो पूजा हो वो पूजा के लिए हम लोग कर रहे हैं। वॉलंटियर को हम इस तरह तैयार किए हैं जो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, किसी को खोइछा भरने में किसी को दिक्कत नहीं हो, जो भी हो। हम लोग कितने वॉलंटियर का यहाँ पर चयन किए? हम लोग 20-21 वॉलंटियर मेरे पास है, अपना सदस्य 20-21 मेरा है। सीसीटीवी कैमरा का कहीं कहीं लगाने का प्रयास किया? 4 कैमरा मेरे सीसीटीवी लगा हुआ है पंडाल के अंदर। जो अभी 4 सीसीटीवी कैमरा जो है उपद्रवियों को नकेल कसने के लिए लगाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे जो है श्रद्धालु हैं जो अभी जो पूजा अर्चना कर रहे हैं इस समय, और ये बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, इस तरह की जो आयोजन किया जाता है दुर्गा पूजा का लेकर जो भीड़ भाड़ हो जाता है उस समय की किस तरह की तैयारी करके रखे हैं? हमारे जन जागरण युवा क्लब के जितने भी सदस्य हैं वो पूरी तरह से तैनात है। कोई भी अगर दिक्कत होता है तो जन जागरण युवा क्लब भक्त जन के लिए हमेशा तैयार हैं। जितने भी वॉलंटियर हैं सबके पास आईडी कार्ड है, अगर कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो जन जागरण युवा के क्लब और बीरपुर थाना के प्रभारी सहयोग। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है उस पर जो है निगरानी की पूरी टीम आपने लगाया है? निगरानी में है, और कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। अगर ऐसा कोई दिक्कत होता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए हम लोग भक्तजन को समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, किसी तरह की जो है उपद्रवी जो है इस तरह पे किसी तरह की कोई घटना ना करे इसके लेकर पूरा जो है यहाँ पर नकेल कसने के लिए इनकी जो पूरी टीम है बिल्कुल तैयार है। माँ दुर्गा का जो है पट यहाँ पर खुल चुका है, बहुत सारे श्रद्धालु जो है माँ एवं बड़े छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर अभी मौजूद हैं और आ रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले आपने देखा है कि जो बीरपुर थाना अध्यक्ष समरेंद्र कुमार जी यहाँ पर जो अपना पूजा अर्चना करने के लिए आए पूरा फैमिली के साथ, कहीं कहीं जो लोगों की जो श्रद्धा है और विश्वास है उसको लेकर जो है पूरे जो है इस क्षेत्र का बीरपुर के आसपास के तमाम जो ग्रामीण है इलाका है वो यहां पर लोग जो है आते हैं और मां का जो है दर्शन पाते हैं। बिल्कुल जो है लोगों की जो भी धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। और हमारे बीरपुर बाजार में 2012 से दुर्गा पूजा स्थापित किया गया, और यहाँ जो भी आते हैं जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूर्ण होता है, और हमेशा दुर्गा पूजा इसी तरह का आयोजन होता रहेगा। जी बिल्कुल, एक बेहतरीन है यहाँ पर एक आयोजन क्या यहाँ पर किया गया है आयोजकों के द्वारा। तो लगातार जो है श्रद्धा और विश्वास का जो है एक पर्व है, जो आप समझ सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और जो है अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। कब से यहाँ पर दुर्गा पूजा का आप यहाँ स्थानीय हैं? क्या नाम है आपका? 2012 क्या नाम है आपका? पवन चौधरी। और किसी तरह की कोई परेशानी कोई किसी भी श्रद्धालुओं के लिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हर श्रद्धालुओं को लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो उसके लिए वॉलंटियर सीसीटीवी कैमरा तमाम तरह की निगरानी टीम यहां पर काम कर रही है। दिखाने के लिए हमारे वीटू बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। महालक्ष्मी नमः।